दिन रात दुआं मां कर दे, आज मौत मूल ना डर दे, ए जिंदगी दियां राहां ने पुत जिन्हां दे सेवक पागां वालियां मावां ने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूनिटी न्यूज़ चैनल पर और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, सिर्फ पंजाब ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है जिनके साथ आज मैं हूँ, और ऐसा कोई नहीं होगा जो अभी हमें देख रहा है वो इनको नहीं जानता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्शिप राजू रंगीला जी की, जो आज हमारे साथ हैं। पंजाब के अंदर जाने माने एक वर्शिपर हैं, वर्सेटाइल वॉइस है, जिनसे हम आज रूबरू कराने जा रहे हैं आपको। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिटी न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद यूनिटी न्यूज़ चैनल का और आपका, जो आपने यहाँ पर मुझे कवर करने के लिए आज मेरे से बातचीत किया, आपका भी धन्यवाद। सर, मैं पहले जानना चाहूँगा एक राजू रंगीला से वर्शिपर राजू रंगीला तक का सफ़र कैसा रहा, शुरुआत कैसे हुई और अब तक का सफ़र कैसा है? बहुत अच्छी शुरुआत हुई जी। मैंने 1996 से ये जर्नी को शुरू किया था। सतपर रंगीला जी, जो अमृतसर में जो मेरे उस्ताद थे, वो पास्टर जी और वो वर्शिपर थे, और मैं उनके साथ प्रभु की सेवकाई शुरू की 96 से, और इतना अच्छा सफ़र रहा, बहुत प्यार मिला मुझे लोगों से, और लगभग आज तक 400-500 के करीब गाने हैं जो मैं गा चुका हूं, और आज भी उतना ही प्यार मिल रहा है। 26 ईयर हो गए हैं मुझे, 26 साल हो गए हैं, और 26 साल बाद भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना 1996 में मिला था। प्रेज द लॉर्ड। और आपका एक सॉन्ग जो है मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर क्या मेरे घर के अंदर जो है हमारे मेंबर जो है बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो एक पंजाबी में सॉन्ग है कि रब दे सेवक कर कर जांदे दुआवां सुनांदे, वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्लीज़ उस सॉन्ग की 3-4 लाइनें जो है वो ज़रूर आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। देखिए, एक गाना था रब दे सेवक घर घर जांदे आयतां पढ़ पढ़ वचन सुनांदे, वो है, और क्योंकि 3 गाने हैं मेरे सेवकां वाले, तो आप कौन से गाने की बात कर, रब दे सेवक घर घर जांदे, हाँ ठीक है जी। रब दे सेवक घर घर जांदे आयतां पढ़ पढ़ वचन सुनांदे, रब दे सेवक घर घर जांदे आयतां पढ़ पढ़ वचन सुनांदे, कर तो बाबा पुत समां जिंदगी पाले तू, रब दी बाणी दिल दे विच वसाले तू, रब दी बाणी दिल दे विच वसाले तू। बहुत अच्छा ब्रदर जी, बात करें, बहुत सारे अभी वर्शिपर जो हैं आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, आप एक वर्शिपर्स में आइकन हैं दूसरों के लिए, यूथ के लिए, तो उन यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज का यूथ जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा गाने वाले हैं, वर्शिप करने वाले हैं प्रभु की, और वो मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारे जितने भी वर्शिपर हैं ना, जितने भी फेम्स आजकल पंजाब में हैं, वो सारे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे गुरु मानते हैं, और जबकि मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, वो इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बस मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हो सकता है आखिरी सांस तक प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु के लिए गाते रहो, बजाते रहो, और प्रभु आपको ब्लेस करता रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा, बस प्रभु में बढ़ते चले जाओ। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा, देखिए बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं, कोई ऐसा वचन, कोई ऐसा वर्स जो आपके दिल को छूता है और जिसको आप चाहते हो कि बार बार उसको पढ़ा जाए? देखिए, सबसे जो बाइबल तो खुदा का वचन जो है ना, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो कमी तो इंसान में है, वचन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सबसे एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो नए नियम की जिसकी नींव है जिसके ऊपर, वह जॉन 3:16 के, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया जो उसे अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। ये बहुत अच्छा वचन है, और क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत के साथ प्यार किया है, किसी एक के साथ नहीं। बेशक जगत में कई तरह के धर्म है, जातियाँ हैं, लोग बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का है गुरु है या अंग्रेजों का गुरु है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने हर एक जाति के साथ,
पूरे जगत के साथ प्यार किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और पुत्र ने अपने पिता से प्यार किया और उसने अपना अपना जीवन अपनी जान जो है पूरे संसार के लिए दे दिया। क्वेश्चन है मेरे माइंड में, जम्मू कश्मीर के अंदर और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के अंदर मैंने वर्शिपर्स का इंटरव्यू किया है और कहीं ना कहीं मुझे एक मेरे मन में है जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सीनियर वर्शिपर हैं, लाइक एक वर्शिपर के अंदर कौन सी तीन खास क्वालिटीज़ जो है आपके हिसाब से होनी चाहिए? देखिए, तीन क्वालिटीज़, तो पहली बात ये है कि जो वर्शिपर है, चाहे कोई भी है, चाहे कितना भी वो अच्छा गाता है, चाहे कितना भी उसके आजकल के हिसाब से फॉलोअर हैं या उसके कितने भी गाने के व्यूज़ हैं, उसमें उसके अंदर एक नरमाई होनी चाहिए, वो नरम दिल का होना चाहिए और उसका जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए, किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। चाहे कोई छोटा वर्शिपर है, चाहे किसी को कोई कैसे भी गाता है, वो हर एक के साथ प्यार करने वाला होना चाहिए। बात फिर घुमा फिरा के वही आती है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है। अगर परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है तो हमें भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, ये गुण होने चाहिए वर्शिपर के अंदर। प्रेज़ लॉर्ड। और लास्ट में मैं चाहूँगा जाते जाते एक सॉन्ग जो है, पुत जिना दे सेवक पागा वालिया मावने, मैं चाहूँगा उसके आप थोड़ी सी लाइनें जो है वो ज़रूर सुना दें आप। ये सॉन्ग जो है ये 1997 में मेरे हिसाब से 23 ईयर हो गए, इसको पुराना गीत है, 23 ईयर पुराना गीत है। आज भी लोग जो है इसको सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, ये नहीं कि एक बार सुना छोड़ दिया, बार बार सुनते बार बार सुनते बार बार। और देखिए वो गाना है, दिन रात दुआवां कर दे आजे मौत मूल ना डर दे, दिन रात दुआवां कर दे आजे मौत मूल ना डर दे, ये जिंदगी दियां राहां ने पुत जिन्हां दे सेवक पागां वालियां मावां ने, हो पुत जिन्हां दे सेवक पागां वालियां मावां ने। क्या बात है, क्या बात है, मन तो नहीं कर रहा कि सुनना बंद करे और हमारे जो दास हैं ये गाना बंद करें, मन करता है बस सुनते रहें, सुनते रहें। और इस शब्द गाने के जो शब्द हैं इतने सामर्थ्यकारी हैं कि हमारा जो आत्मिक जीवन है एक तो उसमें उन्नति आती है और कहीं ना कहीं हम अपने आप में एक सामर्थ्य जो है फील करते हैं। 20 साल पहले ये गाना लिखा भी मैंने खुद ही था। थैंक यू सो मच पास्टर जी टाइम देने के लिए। तो इसी के साथ दर्शकों मैं बुनिया आपसे विदा लेता हूँ, जुड़ रहे हैं आप यूनिटी न्यूज़ चैनल के साथ, नमस्कार।